और ये हम बेटी से तो मिल ली है माशाल्लाह, यू हैव अ वेरी हैंडसम लुकिंग मॉडल, दामाद भी इनका एंड सच अंग्रेज लुकिंग, बेटी तो आपकी बिल्कुल ही अंग्रेज, मतलब नवासी आपकी बिल्कुल अंग्रेज लगती है माशाल्लाह। लवली माशाल्लाह, वेरी नाइस माशाल्लाह। ये मैं खड़ा हूँ इसी बेटी के साथ, इसकी शादी की है ये, दिस इज द वन छोटी, सबसे छोटी, शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल इन दिस पिक्चर। ये तीनों बहनें माशाल्लाह, ये बेटे के साथ ये तीनों बहनें एंड दामाद, ये शादी पूरी फैमिली पिक्चर है, दिस इज येट अनदर ब्यूटीफुल फोटोग्राफ। ये दामाद ये भी मॉडलिंग करते थे। वेरी नाइस, तो आपके तो पैसे बहुत ना, पूरी फैमिली ही मॉडल है इंक्लूडिंग योर वाइफ एज वेल, मुझे तो ये कहना चाहिए, बड़ा ब्यूटीफुल फैमिली यू हैव, नहीं यू आर हैंडसम लुकिंग डॉग एज वेल। आपकी और आपकी मिसेस की बड़ी ही खूबसूरत ये तो तस्वीर लगी पड़ी है, ये बेटी की, बड़ी बेटी की उस शादी के दौरान, ये एक बड़ी ही तस्वीर अच्छी सी हम देखते हैं, जिस तस्वीर में डॉक्टर साहब, उनकी बेटी, उनका मायूं हो रहा है, उनकी बेटियाँ सब बैठी हैं, डेंटिस्ट बेटी, पूरी फैमिली बैठी माशाल्लाह। और कितने साल हो गए साथ को तकरीबन? ये है 2006 में, माशाल्लाह 6 इयर्स। फाइनली हम डॉक्टर साहब के पूरे घर वालों से मिले, उनके बच्चों से बड़े मज़े की बातें की और डॉक्टर साहब का पूरा घर घूमे और हम लोगों ने बड़े मज़े की चाय और बहुत सारी चीज़ें की है। अभी हम यहाँ से चलेंगे क्लिनिक और क्लिनिक पे चलकर देखेंगे कि डॉक्टर साहब के कितने पेशेंट्स बैठे हैं। फाइनली हम डॉक्टर साहब के क्लिनिक पहुँच चुके हैं, राहत क्लिनिक। यहाँ चलकर हम बहुत सारी ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स के हवाले से जानेंगे, विटामिन डी की डेफिशिएंसी के बारे में जैसे तो हम पहले जान चुके हैं, मगर बहुत सारी ऐसी मुख्तलिफ चीज़ें जिनके बारे में आपको जानकर बड़ी हैरत होगी, और सर्जरीज के हवाले से हम चल के जानेंगे। आइए हम चलते हैं। इस वक्त हम DHA क्लिनिक कराची के अंदर मौजूद हैं, डॉक्टर साहब ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी पहले मेंशन किया है सब लोगों को, ऑर्थोपेडिक के हवाले से बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि ख्वातीन के अंदर, ख़ास करके इस वक्त बहुत ज़्यादा ऑर्थो की प्रॉब्लम्स आने लग गई है, मर्द हज़रात में भी आती हैं। और जो बहुत अहम चीज़ मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि एक तो डर लोगों का कि हम सर्जरी कराएं नहीं कराएं, इतने सारी मैंने ऐसी ख्वातीन देखी हैं जो इतनी परेशान रहती है कि हमें सर्जरी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। सर आप मुझे एक बात बताएं कि आप एक सर्जन हैं, यहाँ पर एक लोगों का बड़ा फियर रहता है कि हम लोगों को ऑर्थोपेडिक सर्जरी करवानी चाहिए या नहीं चाहिए, बैक की हो सकती है, नी जॉइंट्स की हो सकती है, तो उस सूरत हाल में आप क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स को? देखिए बैक सर्जरीज अभी रिसेंटली पिकअप हुई है ज़रा अच्छी किस्म की, पुराने ज़माने में जो ये नी रिप्लेस होते थे बहुत अच्छे तक अरसे तक अच्छे नीज़ नहीं आए थे और रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे। अब जो नी जॉइंट्स बन रहे हैं नए लेटेस्ट, वो अच्छे डिज़ाइन के हैं और वो दे लास्ट क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, और लोग उसमें खासा सक्सेसफुली अपनी चलना फिरना, सीढ़ी चढ़ना उतरना, ये सारे काम, नॉर्मली ऑफिस जाना, गाड़ी में बैठना, सब बहुत आराम से कर लेते हैं। दैट्स एक्सेलेंट। बैक सर्जरी का ये है कि बैक सर्जरी में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि एक अगर एक्यूट, बेसिकली बैक सर्जरी जो आम तौर पे अगर कहें तो वो डिस्क प्रोलैप्स के लिए की जाती है ना, और भी चीज़ों के लिए, बट जनरली जब आपके बैक सर्जरी वो यही होता है कि नर्व दब रही है और साइटिका हो रहा है उसके लिए सर्जरी, उसमें एक ये है कि इफ़ यू डू सर्जरी, अगर डिस्क प्रॉपर डिस्क हो, रिजॉल्व नहीं हो रही इन फ्यू वीक्स और फिजियोथेरेपी एंड रेस्ट एंड मेडिकेशन, तो अर्ली सर्जरी से रिजल्ट अच्छा आता है, बट इफ़ यू लीव इट फॉर फ्यू ईयर्स, कई लोगों का ऐसा होता है क्योंकि बैक पेन हमेशा होता है कि उसमें ऊँच नीच आती रही, दर्द कम हो जाता है फिर ज़्यादा फिर कम, और लोग जैसे आपने सही कहा बिल्कुल, लोग घबराते हैं, डरते हैं सर, लोग डरा देते हैं, नहीं करना, नहीं नहीं तो चल भी नहीं पाओगे। बिल्कुल मैंने देखा है सर, मैंने बिल्कुल देखा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिन्होंने TV प्रोग्राम के ही ज़रिए जानने की कोशिश की कि भाई हम इंटरव्यू करते हैं, हम बहुत सारे लोगों से सवाल पूछते हैं कि आया वाकई में
सर्जरी कराने से ऐसे नुकसान तो नहीं होंगे, तो मैं यही चाहती हूँ कि आज का मखसूस इस प्रोग्राम के ज़रिए हम ये बता सकें आप लोगों को कि ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, ये अंदर से खौफ बाहर निकालें, थोड़ी हिम्मत पैदा करें। और आजकल इंटरनेट इतना आम हो गया, मैं समझती हूँ कि इंटरनेट पर जाकर ब्राउज करें और सब तमाम चीज़ें उनको मिल जाएगी। सर एक और बात आपसे पूछती थी, हाइलूरोनिक एसिड के इंजेक्शन भी नी जॉइंट में लगते हैं ल्यूब्रिकेशन के लिए, तो वो किस टाइम पर लगवाने चाहिए? वो भी अर्ली इनफ लगाने चाहिए। एक दफ़ा अगर डैमेज हो जाए नी में, आर्थराइटिस और कार्टिलेज ख़त्म हो जाए, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता ज़्यादा। सर एक बात बताएं कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है जब आपका आर्थराइटिस स्टार्ट होता है? मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं इतने डॉक्टर्स को इंटरव्यू करती हूँ, मैं बाद में ये सोचती हूँ मुझे तो बीमारी नहीं शुरू होने वाली। कौन डिपेंड करता है कौन से जॉइंट का पूछा? सर आई एम टॉकिंग नी जॉइंट। नी जॉइंट यस, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, पर वन ऑफ द अर्लीस्ट जो है ना, जो लोगों को अगर एहसास हो जाए वहीं से एहतियात करें, वो ये है कि बैठ के उठने में और सीढ़ी चढ़ने में उनको एहसास होता है कि कुछ थोड़ी सी दिक्कत तकलीफ हो रही है, कि घुटनों में दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है या कुछ एफर्ट लग रही है या कुछ मुश्किल हो रहा है, थोड़ा सा एहसास होता है कि समथिंग इज़ नॉट राइट, वो शुरू में होता है। देन लेटर ऑन चल जाए तो फिर उसमें बाकायदा दर्द शुरू हो जाता है, सूजन शुरू हो जाती है, वो इफ्यूजन जिसको हम कहते हैं जोड़ में पानी आ जाता है। तो डॉक्टर साहब एक बात बताएं कि ये नॉर्मली देखा जाता है कि ख्वातीन के अंदर ये बहुत कॉमन चीज़ है, तो क्या मेनोपॉज के बाद ये इसकी इंडिकेशन आना शुरू होती है या अर्ली साइन एंड सिम्टम तो हेरिडिटरी एक हो गया? इसका मेनोपॉज से ताल्लुक ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह का है, इसका नहीं है, दिस इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन वो वजह ये है कि मेनोपॉज भी मिडिल एज में आता है, ये भी तकरीबन मिडिल एज में, इसलिए आपको लगता है कि मेनोपॉज के साथ हो रहा है। ओके, इसका डायरेक्ट मेडिकल रिलेशन मेनोपॉज से नहीं है। एज भी औरतों को भी 45 और 55 के बीच में मेनोपॉज होता है। दैट्स राइट। थैंक यू सो मच सर, कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? देखिए मैसेज जो एक जो मैं देना चाहूँगा, आपने नी का जिक्र किया और बैक का जिक्र किया, जी सर, दोनों चीज़ों के लिए एक चीज़ जो सबसे अहम है वो वज़न है। दैट्स राइट। अगर वज़न आपका ज़्यादा है, मैं तो अक्सर मरीजों को आते ही बोल देता हूँ वज़न कम नहीं हुआ तो बीबी आपको आराम नहीं आएगा। वेरी ट्रू सर, दैट्स ट्रू। वज़न कम, प्रेशर ऑफ द वेट ऑन द लेग, वज़न कम करें। और दूसरा, घुटने और कमर दोनों के डूज एंड डोंट्स होते हैं, क्या नहीं करना। दैट्स ट्रू। जैसे कमर के लिए झुक के काम नहीं करना है, वज़न नहीं उठाना है, चारपाई पर नहीं सोना है, बहुत देर तक बैठना नहीं है बगैर सहारे के। घुटने के लिए, नीज के लिए ये है कि नीचे नहीं बैठना, जैसे हमारे यहाँ फर्शी टॉयलेट पे बैठते हैं लोग, ये नहीं बैठना। खाना नीचे नहीं खाना, कुर्सी पे खाना है। सीढ़ी चढ़ने उतरने में एहतियात करनी है, बहुत सीढ़ी ना चढ़ें तो बेहतर है, एक दफ़ा इंडिकेशन हो जाए, क्योंकि सीढ़ी बहुत डैमेज करती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और आपको डॉक्टर साहब की फैमिली से मिलकर भी बड़ा अच्छा लगा होगा और बड़ी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें के बारे में आपने जाना होगा, डॉक्टर साहब के इंटरेस्ट, लाइक्स एंड डिसलाइक के हवाले से, उनकी कौन सी फेवरेट मूवी है, सब चीज़ें आज हमने डॉक्टर साहब से डिस्कस की। टिल देन डॉक्टर तानिया साइंस ऑफ, खुदा हाफिज़।